पर्वत नहीं पसंद है ये भाई बच्चा है जिसकी मम्मी थोड़ा सा गुस्सा करती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये आप लोग ने तो सुन रखा होगा, लेकिन आज हम दोनों आए हुए हैं बहुत अच्छी चीज दिखाने के लिए। इंट्रोडक्शन दे दो आप। मेरा नाम सचिन कुमार हुआ और मैं दानापुर से हूँ। बट मैंने भैया को कमेंट किया था इनके वीडियो पे कि भैया एक ऐसा जगह यहाँ पे है जो कि मतलब समझे कि हिडन ना हो के भी हिडन ही। बहुत बहुत थैंक यू कि आप कहे पे आप यहाँ पे आए। हमारा काम ही है कि जो भी हमें पता चले उसके पीछे थोड़ा सा पड़ जाएं और उसकी पुष्टिकरण करें। तो चलो जानते हैं कौन सी दुकान है और यहाँ का स्वाद कैसा है। पुष्टिकरण मैं ही करने वाला। ये जो चटनी देखिए समोसा भी और ग्रीन चटनी पुदीना का है। और ये देखो खास्ता है। आए हाय सबसे अच्छी बात बिहार के अंदर ना ये जो बादाम मिलता है ये बादाम वाला समोसा जो होता है वो बेस्ट होता है। बस इस इमली के थिक चटनी में से डुबोएंगे समोसा। खूबसूरत जो बिहार का ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो है यहाँ पे। सही बात है। और सब जगह आपको ये मिसिंग होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा चटनी में या समोसा में। बट यहाँ पे आपको दोनों बेस्ट मिलेगा। समोसा तो बढ़िया लगभग मिल जा रहा है। हाँ। ये चटनी सॉर्ट की चटनी जैसे कहता है एक्चुअली। मैंने आपको वहाँ पे देखा था स्नैक्स कॉर्नर पे, इसलिए मैंने आपको बोला कि भैया ये कहीं यहाँ पे आई है। अरे वहाँ पे देखा था फिर वीडियो में को दिखा। हाँ। वीडियो भी देखा। मैं सोचा कि भैया क्या खा रहे हैं, इनको बुलाते हैं यहाँ पे। क्या बुलाते हैं। और भाई इनकी बादाम जो है ना, मतलब समोसे के अंदर बादाम खाने का अपना ही मजा है यार। दोनों चाट में यहाँ पे टाइम पास ऊपर से डाला रखा है इन्होंने। वाओ मटर काबुली सब है। दही का जो टेक्सचर आपका जो खट्टापन है एकदम क्लियर आ रहा है करके। सबसे खास बात पता क्या है, चाट चटपटा होना चाहिए और ये चटपटा है। सो दिस इज हिज रिकमेंडेड सिंगापुरी है ना, सिंगापुरियन नूडल्स। कैसे है यार इसका स्वाद तो आगे पता चलेगा हमें। आई लव द टेस्ट। यू लव द टेस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे जो नूडल्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो थोड़े से हाई होते हैं। थिन लेयर ऑफ जो नूडल्स होते हैं ना रियल स्पेगेटी वाले नूडल्स वो मुझे पसंद है। बट स्वाद की बस बात करें, टेक्सचर की बात बता देते हैं, फ्लेवर्स की जहाँ तक बात करेंगे तो दिस हैज अ गुड फ्लेवर। इफ वी गो टू द ऑथेंटिसिटी वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। मैंने सिंगापुरियन नूडल्स एक्चुअली खुद बनाया दिए दो तीन बार घर पे। आई कुक अ लॉट। कहीं ना कहीं दिस हैज टू गो डाउन इन माई लिस्ट। बट समोसा चाट ये सारी चीज बहुत अच्छी लगी। मतलब फ्लेवर किस अच्छे हैं। हमारे बिहार में काफी फेमस है ये परवल की मिठाई। अगर इसके अंदर से खोआ निकल गया ना असली वाला यार, छोड़ दिया मैंने ब्रांड जाना, अब घर पे मिठाई यही सा रही है। ये देखो स्टफिंग भी लाजवाब जिस तरीके से इस मिठाई को बनाया यार। पिछले बार यार राजभोगी था वो आइटम जो जिस वीडियो में आपने कमेंट किया था कि स्क्रिप्ट, और ये बहुत ईजली टू डू यार। ये देखो बैंग ऑन यार।